तो दोस्तों आज है 10 सितंबर और आज एक बार फिर से इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप में भिड़ने वाले हैं। लेकिन मैच से पहले इंडिया और पाकिस्तान का ये मैच काफी कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ था और आज के इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर पहले से ही हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो दोस्तों मैंने शुरू में ही कहा कि आज मैं एक कंट्रोवर्सी के बारे में बात करूंगा। तो आखिर क्या है ये कंट्रोवर्सी? तो दोस्तों कंट्रोवर्सी ये है कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए रिजर्व डे रखा गया है, बाकी दो अदर टीम जो श्रीलंका और बांग्लादेश हैं उनके लिए कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया है। यानी कि अगर श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में अगर बारिश हो जाती तो इनका मैच धुल जाता और कोई भी उन्हें एक्स्ट्रा डे नहीं मिलता जिसकी वजह से वो दोबारा मैच खेल सकते। जब क्रिक बज ने इस बात को श्रीलंका और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जाकर पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, हमसे बिना पूछे ही इन्होंने ये शेड्यूल बना दिया है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी जब बढ़ने लगी तो उसके एक या दो दिन के बाद ही उनका एक दोबारा से स्टेटमेंट आता है और उन्होंने ये लिखा कि ये जो भी फैसले लिए गए हैं ये हमारी सहमति से हुए हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि क्यों इंडिया और पाकिस्तान के मैच को ही रिजर्व डे में रखा गया है, बाकी किसी और टीम को क्यों नहीं। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान का मैच बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। इंडिया और पाकिस्तान में कभी भी बायलैटरल सीरीज नहीं होती है, इसलिए इंडिया और पाकिस्तान या तो एशिया कप में मैच खेलते हैं या फिर वर्ल्ड कप में। इसीलिए इंडिया और पाकिस्तान का जब पहला मैच धुल गया तो एशिया कप की मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए एक रिजर्व डे रखा जाए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट राइवलरी टीम है और अगर ऐसे में आज के दिन यानी कि 10 सितंबर को एक बार फिर से बारिश हो जाती है तो ऑडियंस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि 2 तारीख के मैच में भी ऐसा ही हुआ था और हमें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ था क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का वो मैच बेनतीजा रहा था। हालांकि हमने काफी अच्छा स्कोर किया था और अगर सब कुछ अच्छा रहता तो हम इंडिया और पाकिस्तान का वो मैच भी जीत जाते, लेकिन कोई बात नहीं हम इस मैच को जीत जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर ये मैच रिजर्व डे में जाता है तो इंडिया के लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि इंडिया का मैच जब भी रिजर्व डे में जाता है, चाहे वो 2019 के वर्ल्ड कप की बात हो चाहे वो टेस्ट वर्ल्ड कप की बात हो, जब भी इंडिया का मैच रिजर्व डे में जाता है तो इंडिया को हार झेलनी पड़ती है और इसीलिए आज हम यही मना रहे हैं कि बारिश ना हो। हालांकि आपके लिए गुड न्यूज़ है, वो गुड न्यूज़ क्या है आइए जानते हैं। दोस्तों वेदर कंडीशन की अगर बात करूं तो कल तक मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब था और ऐसा वेदर रिपोर्ट का कहना था कि इस बार भी बारिश होने के पूरे पूरे आसार हैं। लेकिन जैसे ही संडे की मॉर्निंग हुई है उस दिन एक खिलखिलाती धूप निकली है जिसके वजह से फैंस बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और ऐसा ये माना जा रहा है कि अब ये मैच बिल्कुल अच्छी तरह से होगा। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी ये कहा था कि 2 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान के मैच में भारी बारिश होने के चांसेस हैं और ऐसा ही हुआ और इसीलिए वो मैच रद्द हो गया। हालांकि आज चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया है, इसलिए चिंता की बात नहीं। अगर आज बारिश होती है तो कल भी उस मैच को कंटिन्यू किया जाएगा। तो दोस्तों तो हमने ये कंट्रोवर्सी जान ली है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे इसी तरह के नए नए वीडियोज के अपडेट मिलते रहें। तो जल्द मिलते हैं आपसे और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।